ना 13 में, ये है कहाँ पे, यही तो कंफ्यूजन है ना। जी रुक जाओ ना, न 3 में न 13 में कहाँ है एलजेपी आपकी पार्टी? बीजेपी के गोद में, क्या मतलब हुआ ये तो 10 तारीख को पता चलेगा ना। हाँ देखिए, आप अभी कैसे कह दो 3 में 13 में नहीं, हमारा 6 से लेके 12% तक वोट है प्यार में हर साल। बाउंड्री से बाहर के लोग क्या बात करेंगे भाई, थोड़ी कह दोगे कि 3 में 13 में नहीं। देखिए मतलब आप नीतीश कुमार को चुनाव हरवाएंगे, आपकी आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से आपसे संपर्क हम कर रहे हैं। जल्दी से संजय मयूख जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे। देखिए इन्होंने तो कमर कस ली है, आप जिसको मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं आप ही के सहयोगी हैं केंद्र में, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी का तो सुपड़ा साफ है इस बार। हम नहीं, बिहार की जनता। हाँ। बिहार की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार में फिर से एक बार जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो लोग आज कुछ कुछ बोल रहे हैं वो कहाँ हैं, वो तो बाउंड्री के भीतर भी नहीं है। कौन लोग खोल के क्यों नहीं बोलते हैं? वाले लोगों से समझौता किए हैं। कौन लोग? वो सीधे तौर पे अर्बन नक्सल के भीतर कौन लोग पार्टी लेकर क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस हम तो नाम ले रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के लोगों ने उन लोगों से हाथ मिलाया जो आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मैं बार बार कहता हूं प्रेमचंद मिश्रा जी, एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि आपातकाल सही था कि गलत था, आप करते नहीं। आप कहते हैं 15 साल पुराने की बात करते हैं, 45 साल नहीं जा रहे पीछे, हम तो केवल इस साल बात कर रहे हैं। जिस साल चुनाव हो रहा है हम लड़ रहे हैं एम्स के सवाल पे, हम लड़ रहे हैं हवाई अड्डा के सवाल पे, हम लड़ रहे हैं पुल पुलिया के सवाल पे। आप जवाब तो मांगिए, हम हिसाब दे रहे हैं। आप केवल कह रहे हैं नक्सल के गोद में खेल रहे हैं, आप राजद के गोद में खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किसको बता रहे हैं बी टीम सी टीम ए टीम बी टीम? अरे जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश। अभी 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 3रे चरण के चुनाव में मृत्युंजय तिवारी जी लगातार प्रहार कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जनता को। लेकिन आप जान लीजिए 10 तारीख को जब परिणाम आएगा तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के पक्ष में जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता विकास चाहती है। दिख रहा है या एम्स दिख रहा है, यहाँ इज्जत घर दिख रहा है? अरे दिख रहा है साहब, दिख रहा है, उस पे मतदान होगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विकास दिख रहा है, लेकिन विकास पुरुष जिसका वो लोग दावा करते हैं, नीतीश कुमार की तस्वीरें जब गायब रहती हैं सड़क से होर्डिंग से, तो सवाल पूछे जाते हैं कि अपने कामकाज के जरिए अपने चेहरे के साथ नीतीश कुमार सामने क्यों नहीं आते। 15 साल वर्सेस 15 साल की ये जो लड़ाई समूचे बिहार में इस वक्त देखी जा रही है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसका फैसला तो 10 तारीख को होगा, लेकिन कल अंतिम दौर के लिए चुनाव के लिए होने हैं मतदान। और इसी पर यह चर्चा लगातार जारी है कि ये जो इमोशनल कार्ड नीतीश कुमार की ओर से खेला गया है, ये दांव क्या उनके पक्ष में जाएगा या फिर विपक्ष में, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद।